स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन वी आर कंटिन्यूंग विद दिनक्रोनाइजेशन मकैनिज़म्स इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट टी एस एल मकैनिज़म देखिए हम हमारे सामने जो भी कॉपरेटिंग प्रोसेस होती हैं उनके बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन किस तरीके से करें इसमें हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन बाउंडेड वेटिंग एंड प्रायोरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हम किस तरीके से हमने देखा था कि हमने लॉक वेरिएबल मकैनिज़म यूज़ किया उसकी कुछ प्रॉब्लम थी तो जो टी एस एल है वो हमारा टेस्ट सेट लॉक मकैनिज़म है लॉक वेरिएबल मकैनिज़म में हमने ये देखा था कि हमारे पास में जो प्रोसेस है वो ओल्ड वैल्यू जो लॉक वेरिएबल की ओल्ड वैल्यू है उसको रीड कर रही थी और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो रही थी तो इससे हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई कि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक समय में क्रिटिकल सेक्शन में आ रही थी जिससे कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था अब हम टेस्ट सेट लॉक मैकेज़म लेके आए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया असेंबली कोड में जो हमने प्रीवियस देखा था असेंबली कोड उसमें क्या था कि दिस कोड सबसे पहले लॉक को लोड किया जाएगा रजिस्टर ज़ीरो में इसके बाद में उसका कंपैरिजन होगा अगर वैल्यू ज़ीरो होती है तो दोबारा हम स्टेप वन पे चले जाएंगे दोबारा लॉक वेरिएबल को लोड किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टोर लॉक वेरिएबल में क्या हो जाएगा वन को स्टोर कर दिया जाएगा और जैसे ही एग्जिट होगा दोबारा लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी बट अगर सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर एंटर कर रही होती थी मीन्स लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म प्री एम्पन के केस में फेल हो रहा था तो जहाँ पर प्री एम्पन आ रहा था वहाँ पे लॉक वेरिएबल हमारा मकैनिज़म सेटिसफेक्ट्री रिज़ल्ट हमें नहीं दे रहा था एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ रही थी तो इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और हम टी एस एल मकैनिज़म आए ठीक है तो जो हमारा टी एस एल मकैनिज़म है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे चेंज क्या किया गया कि सबसे पहले लॉक वेरिएबल की वैल्यू को रजिस्टर ज़ीरो में लोड किया गया रजिस्टर ज़ीरो में लोड करने के बाद हम जैसे ही हम लोड करेंगे किसी प्रोसेस को लॉक वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर देंगे वन कर देंगे कंपैरिजन इसके बाद में होगा और अगर ऐसा वैल्यू क्या ज़ीरो है तो हम स्टेप वन पे मूव कर जाएंगे वैल्यू अगर वन है तो क्रिटिकल सेक्शन में आपकी प्रोसेस एंटर कर जाएगी इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो नई प्रोसेस है वो ओल्ड वेरिएबल की वैल्यू को जो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे ओल्ड वेरिएबल की वैल्यू से कंपैरिजन नहीं होगा हमेशा एक न्यू जो वैल्यू है लॉक वेरिएबल के पास में जो एक नई वैल्यू है डेट इज़ वन है उससे कम्पेरिजन होगा तो कहीं ना कहीं तक हम इस मैकेनिज्म में म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम आ रही थी लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म में उसको हम रिमूव कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स इन द अपडेटेड वर्जन ऑफ़ कोड अगर हम अपडेटेड वर्जन ऑफ़ कोड की बात करें द वैल्यू ऑफ लॉक इज़ लोडेड इन टू द लोकल रजिस्टर आर आर जीरो तो यहाँ पर जो वैल्यू है लॉक वेरिएबल की उसको रजिस्टर ज़ीरो में लोड किया गया है और इसके बाद में जो लॉक है उसकी वैल्यू को सेट कर दिया गया है वन इसके बाद देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास में स्टेप थ्री है जैसे कि मैंने आपको ये बताया यहाँ पे जो हम स्टेप थ्री परफॉर्म कर रहे हैं इन स्टेप थ्री वी आर कंपेयरिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ लॉक जो हमारे पास में लॉक वेरिएबल है उसकी प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पर चेक किया जा रहा है जिसको कि हम पहले से ही आठ जीरो में स्टोर कर चुके हैं उसको हम ज़ीरो से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं देखिए अगर ये वैल्यू ज़ीरो होती तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस आपकी एंटर नहीं करेगी ये वैल्यू वन है तो इट मीन्स प्रोसेस जो है वो सिंपली एंटर कर जाएगी इफ़ दिस इज़ ज़ीरो अगर हमारे पास में लॉक वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है प्रोसेस विल सिंपली एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी इज जो हमारी प्रोसेस है वेट करेगी कंटिन्यूसली जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता है स्टूडेंट्स द बेनिफिट ऑफ सेटिंग द लॉक इमीडिएटली टू वन जैसे ही कोई प्रोसेस एंटर करती है क्रिटिकल सेक्शन में हम लॉक वेरिएबल की वैल्यू को वन कर देते हैं मीन्स प्रोसेस अपने आप जो लॉक वेरिएबल उसकी वैल्यू को वन सेट कर देगी इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो रही है वो लॉक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रही है दूसरी कोई प्रोसेस आएगी इस लॉक वेरिएबल को चेक करेगी अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू वन है तो वह क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगी और हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बच जाएंगे नाउ स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हमारे पास में लॉक वेरिएबल मकैनिज़म है वहाँ पे प्रियम्पन की प्रॉब्लम आ रही थी मींस अगर कोई हाइयर प्रायोरिटी की प्रोसेस सिस्टम में आ रही है और कोई हमारे पास में ऐसी प्रोसेस है जिसने कि क्रिटिकल सेक्शन में एक्वायर किया हुआ है तो वो जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर जाती है और जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन को एलोकेट कर दिया जाता है अब हम टी एस एल मैकेज़म में इस प्रॉब्लम को देखते हैं इन दिस केस वेन इट गेट्स प्रीएम्प्टेड एंड शेड्यूल अगेन देन ऑल्सो इट विल नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन जैसे ही कोई प्रोसेस प्रीएम्प्शन में आती है उसको दोबारा शेड्यूल किया जाता है और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करती है जब तक कि जो हमारी करंट वैल्यू है लॉक वेरिएबल की वो अपडेट ना हो ये कह है सकते हैं इट will नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द करंट वैल्यू ऑफ द लॉक वेरिएबल as इट ऑलरेडी नो what इज़ द updated वैल्यू ऑफ़ द lock लॉग वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू क्या है देखिए इसमें हमारे पास में कुछ टी एस एल की इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं जिसको और मॉडिफाई किया गया है कि सबसे पहले टी एस एल लॉक वेरिएबल को आर जीरो में लोड करेगा उसके बाद में जो रजिस्टर जीरो है उससे कंपेरिजन होगा और उसके बाद में जंप होगा नंबर वन पे देखिए नाउ स्टूडेंट सोल्यूशन प्रोवाइडेड इन द एवर सेगमेंट प्रोवाइड म्यूटेक्स टू सम एक्सटेंड बट इट डज़ नॉट मेक श्योर डेट द म्यूटेक्स विल ऑलवेज बी देयर देखिए जो यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया उसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलेगा बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहाँ पर हमेशा रहेगा क्योंकि प्रियम्शन जब होता है तो वहाँ पर प्रोसेस जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग एल्गो की हेल्प से क्रिटिकल सेक्शन को लीव करके जाती हैं और हो सकता है कि पीसीबी अपडेट होने से पहले कोई नेक्स्ट प्रोसेस लॉक वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर ले जो कि अभी अपडेट नहीं हुई है और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाए स्टूडेंट्स देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन ये पॉसिबिलिटी है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक बार में हों वेन प्रोसेस इज प्रियएमटेड देखिए प्रियम्पन का केस मैंने आपको बताया हुआ है कि हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस जो होती है वो पहले रन करेगी इन कंपेरिजन टू लो लो प्रायोरिटी प्रोसेस नाओ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम वी हैव टू मेक श्योर डेट द प्रियम्पन मस्ट नॉट प्ले टेक प्लेस जस्ट आफ्टर लूडिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ लॉक वेरिएबल एंड बिफोर सेटिंग इट टू वन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये श्योर sure किया है कि जब भी प्रियम्पन होगा मतलब प्रियम्पन आप तब तक ना करिए जब तक कि लॉक वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू लोड ना हो और उस वैल्यू को हम सेट ना करें वैल्यू वन से स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होता है वो टी एस एल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड करता है स्टूडेंट्स जिसमें सिंपल ये बताया गया है कि किसी भी लॉक वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले उसके लोकल रजिस्टर आर ज़ीरो में लोड किया जाएगा उसके बाद में उसकी वैल्यू को हम वन से सेट करेंगे द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट द टी एस एल फर्स्ट वो प्रोसेस जो टी एस एल को पहले एग्जीक्यूट करना चाहेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी और कोई अदर प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में जब तक एंटर नहीं कर पाएगी जब तक कि पहले वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आ जाए नो प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन इवन इन द केस ऑफ़ प्रियम्पन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी चाहे हमारे पास में प्रियम्पन का केस हो जब तक फर्स्ट प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर किया हुआ है देखिए अब जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें हमें आ, कौन कौन से आपको बताया गया था अगर कोई प्रोसेस के बीच में हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है तो हमारे लिए वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूज़न प्रोसेस के प्रोग्रेस होना चाहिए बाउंडेड बेटेड होना चाहिए और पोर्टेबिलिटी अचीव होनी चाहिए तो यहाँ पर हमें म्यूटेक्स मिलता है प्रोसेस के बीच में हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है बट बाउंडेड बेटिंग और पोर्टेबिलिटी हमें यहाँ पर नहीं मिलती है इस मकैनिज़म में स्टूडेंट्स जो हमारा टी एस एल है वो हमें गारंटी देता है कि जो प्रोसेस है उसका प्रियम्पन तब तक नहीं होगा जब तक कि लॉक वेरिएबल की वैल्यू पहले सेट ना हो म्यूटेक्स इज़ गारंटेड इन टी एस एल सिंस ए प्रोसेस कैन नेवर बी प्रीएम्प्टेड जस्ट बिफोर सेटिंग द लॉक वेरिएबल जब तक प्रोसेस लॉक वेरिएबल की वैल्यू को सेट नहीं करेगी तब तक उसका हम प्रियम्शन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स देखिए प्रोग्रेस के बारे में आपको बताया गया था कि प्रोसेस विच डज नॉट वॉन्ट टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन शुड नॉट स्टॉप अदर प्रोसेस टू गेट इन टू इट अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहती है तो वो और प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से नहीं रोकेगी स्टूडेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट जो हमारे पास में थर्ड पॉइंट है डेट इज़ बाउंडेड वेटिंग वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट प्रडिक्ट वेटिंग टाइम ऑफ ए प्रोसेस देखिए हम पहले से किसी भी प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है मेमोरी में कितना समय लेगी इसको कितना समय चाहिए अपना वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है टी एस एल देखिए जो हमारा टी एस एल है वो हमारा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्योंकि देखिए आपको ये बताया गया था कि टी एस एल में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपने असेंबली कोड में लिखी हैं अब असेंबली जो होती है वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके पास में जो उसकी असेंबली है डेट इज़ वन ट्वेंटी सिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल और मेरे पास में एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी असेंबली है एट्टी वर्ड्स की तो अगर कोई सेंटेंस वन ट्वेंटी सिक्स वर्ड्स या लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसको एट्टी लेटर्स के कॉम्बिनेशन में हम कैसे चेंज करेंगे दिस इज़ द प्रॉब्लम तो यहाँ पर हमें पोर्टिबिलिटी नहीं मिलेगी बट टी एस एल में हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि अराउंड नाइन्टी परसेंट हमें म्यूचुअल एक्सक्लूज़न मिल जाता है हमें वहाँ पे प्रोग्रेस मिल जाती है बट बाउंडेड वेटेड और हमें पोर्टिबिलिटी अचीव नहीं होती है होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच